गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस क्लास में आपसे बात करेंगे मोटिवेशन टॉपिक पर। इससे पहले हमने मोटिवेशन टॉपिक पर बताया आपको, उसके बारे में मीनिंग भी बताया था, उसकी कौन कौन सी टेक्निक है, उसकी प्रोसेस बताया था, है और मोटिवेशन के बारे में आज हम बताएंगे टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं क्या कि मोटिवेशन क्या होता है। तो मोटिवेशन क्या है कि एक ऐसा फैक्टर है जिसके कारण क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हम एम्प्लॉय से अधिक उनसे इनकी वर्क एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे फॉर्म में कर सकते हैं हम, या तो मॉनेटरी फॉर्म में, नॉन मॉनेटरी फॉर्म में। मॉनेटरी फॉर्म जैसे आप उनकी सैलरी इंक्रीमेंट कर दो, बोनस दे दो, ठीक है, और इंसेंटिव करो। भी ऐसे करने से क्या होता है कि वो पहले वर्क करते हैं उसके अपेक्षा कहीं अधिक वो अच्छा परफॉर्मिंग करने में अपने आप को बेटर करते हैं। इस प्रकार नॉन मॉनेटरी में आपका आता है उसकी वर्क की एडमायरिंग करो, आप अच्छा प्लेसमेंट उसको दो, ठीक है ना, जो इसका एनवायरमेंट है वो एनवायरमेंट बेटर उसको बनाओ। तो कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर है तो उसको अधिक से अधिक मोटिवेट करते हैं, उसकी वर्क कहीं ना कहीं अधिक हो जाती है। ये हमारा वर्क कराने का हमारा ये नॉन फाइनेंशियल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किसी भी पर्सन को आप
फाइनेंशियल मतलब उसे मनी देकर पूरी तरह से उसे मोटिवेट नहीं कर सकते हो, मनी खूब दूसरे काम पर ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं उसको नॉन फाइनेंशियल की आवश्यकता होती है, जैसे कार्य की प्रशंसा करना, वर्क एडवाइजिंग हो गया, आपका लगा कर कोई आगे बोल दे कि वाह कितना अच्छा कर रहे हो, आपके अंदर क्या होगा कि हमारे एम्प्लॉयर द्वारा कितना अच्छा या हमारे टीचर के द्वारा कितना अच्छा किया गया, तो वो प्रश्न खत्म हो जाएगा और उसके अंदर क्या होगी नई भावना जागृत हो जाएगी। तो ये भी एक पॉइंट लगता है कि वर्क किस प्रकार हमारा चूज हो, नॉन फाइनेंशियल फाइनेंशियल हमने बता दिया है, यहाँ पे यूज दैट इज यूज ऑफ द मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, ठीक है, मनी का यूज होता मनी का नहीं आगे होता है और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे टेक्निक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की टेक्निक अभी होती क्या है, टेक्निक होती है ऐसी टेक्निक है कि जिसके बेस पर हम वही कार्य करते हैं उनको मोटिवेट करते हैं उनसे वर्क लगाते हैं, पहली की अपेक्षा मॉनेटरी टेक्निक्स आते हैं। मॉनेटरी टेक्निक्स होता है ये टेक्निक को सर्वप्रथम इसका जो मेजर किया गया था ये फादर हैं के ये हमें है अमेरिका, अमेरिका में क्या बोला था मेजर ने क्या बोला था कि अमेरिका में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनसे उनके लिए स्पेशल अपन क्या करते हैं इस टेक्निक की यूज करते हैं और ये टेक्निक यूज का मेन कारण होता है वर्क की क्वालिटी को इंप्रूवमेंट करना, वर्क के जो बहुत अधिक वर्क का बर्डन अधिक है उसको डिवीजन करके उसको स्पेशलाइजेशन के थ्रू उसके डिलीगेशन अथॉरिटी के थ्रू उसे अपन हैंड ओवर करते हैं, तो ये टेक्निक भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल फॉर मी। नेक्स्ट जॉब बेस्ड टेक्निक, जॉब बेस्ड टेक्निक मींस अपन ही करते हैं जॉब सिक्योरिटी भी अपन इसको मान लें टेक्निक, ये जॉब सिक्योरिटी से एम्प्लॉय के लिए सर्टेन है, जैसे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आया उसको एम्प्लॉयमेंट मिला वो दो से चार माह वहां पे वर्क किया अब इसके बाद वहां पे एम्प्लॉयर ने बोल दिया कि आपकी जॉब सिक्योरिटी है, तो कहीं ना कहीं ये टेक्निक उसकी माइंड में सेटअप हो जाएगी अब उनको कहीं ऑर्गेनाइजेशन नहीं जाना है, तो वो सेल्फ मोटिवेट हो जाएगा और पूरे डेडिकेशन से वर्क करेगा, अब डेडिकेशन से पूरी तरह वर्क करेगा तो ये वर्क उसके लिए क्या होगा कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा, तो सेकंड विल बी टाइम डिपेंड ऑन द जॉब बेस्ड ऑन टेक्निक। नेक्स्ट एमबीओ टेक्निक वेरी इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट, इस टेक्निक का जो फादर है मॉरल टेलर, टेलर ने क्या बोला था कि आप मैनेजमेंट व्यवस्था आपकी है वो बहुत अच्छी आप करती है, जो मैनेजमेंट की अरेंजमेंट है वो पूरा किसके द्वारा किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाएगा, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे करेंगे वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे सिचुएशन के अनुसार करेंगे, उसमें किसी प्रकार का भूल होना चाहिए, तो एमबीओ की टेक्निक भी बहुत इंपॉर्टेंट लगती है इन फ्यूचर में, एमबीओ टेक्निक सही है तो हमको इन फ्यूचर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाहिए। लीडरशिप टेक्निक्स, लीडरशिप टेक्निक भी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने कहा आपका ग्रुप बना दिया अब उस ग्रुप में एक कोई लीडर होना चाहिए, अब वो ग्रुप का क्या करेगा पूरा मैनेजमेंट करेगा, उसको ऑर्गेनाइजिंग करेगा, उस पर कंट्रोलिंग करेगा, वो कोऑर्डिनेशन बना के चलेगा, तो वो लीडर के अंदर ऐसी क्वालिटी ऐसा एक मोटिवेट हमको कर देना है कि वो पूरे ग्रुप को लेकर बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्मिंग कर ले प्रेजेंट करेंगे। आपने देखा होगा कि ग्रुप अलग अलग है, उस ग्रुप में भी हमको लीडर की बहुत आवश्यकता होगी, यदि लीडर सही है हमारा तो वो ग्रुप का ऑपरेटिंग एक कंटिन्यूटी बेस पर होगा, ठीक है, तो हमको क्या करना है लीडर के साथ बहुत अच्छे ढंग से रिलेशनशिप अपने बॉन्ड बना के करना है कि उनमें किसी प्रकार का अपने क्या हो कि नेगेटिविटी रिजल्ट हमको रिसीव नहीं। फिर नेक्स्ट विल बी पॉइंट ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ द टेक्निक, रिकॉग्निशन ऑफ टेक्निक मतलब होता है इस टेक्निक के थ्रू क्या होता है कि हमको ऐसा एक एनवायरमेंट क्रिएट करना है कि जिसके थ्रू एम्प्लॉय कर सके अपनी प्रॉब्लम को दूसरे के सामने प्रेजेंट कर सके, यदि उसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो उनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देकर उनको वर्क के बारे में बताया जाए, यदि उनको ऐसी प्रॉब्लम कंटिन्यू हो रही है उनको आप ट्रेनिंग बाहर दे सकते, तो ये कहीं फैक्टर ऑटोमेटिक इंटरनल मोटिवेशन के लिए ऑलरेडी फंक्शन करते हैं, और ये यदि फैक्टर कंपलसरी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होगा तो ऑलरेडी इन फ्यूचर में अपने गोल में चेंज करेगा। फ्री टाइम टेक्निक्स ये भी इंपॉर्टेंट लगती है, एम्प्लॉय है उसने प्रसर उसको उस पर आप प्रसराइज इतना सुने का उसको फ्रीडम करो, फ्रीडम का मीन्स होता है कि आप उसको वर्क इतना दो कि वो वर्क करने के लिए हो और वर्क करने उसका फिजिकली एंड मेंटली दोनों वर्क दोनों प्रॉपर रूप से वर्क कर रहा हो, आप इतना वर्क नहीं दे दो कि वो पूरी तरह से क्या हो
टेंशन हाइट हो जाए, ठीक है ना, फ्रस्ट्रेशन में आ जाए, तो हमको ऐसा नहीं करना है। हमको उसके साथ क्या करना है कि फ्रीडम बनाना है। फ्रीडम मतलब उसको फ्री रखना है और उसको उतना ही वर्क देना है जितना वो वर्क करने में अपने आप को सफिशिएंट समझे। फिर इन सफिशिएंट होएगा तो बड़े परफॉर्मिंग करेगा। फिर टेक्निक बाय द चैलेंज, जब टेक्निक इतनी सारी हो जाएगी तो चैलेंज